To be successful in the world, दुनिया में सफल होने के लिए दो जरूरी बुनियादी खूबियां ये हैं कि आपको अपने मन और शरीर की शक्ति का पूरा उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप अपने मन का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे अहम खूबी ये है कि आपको संभाव में रहना सीखना होगा। संभाव आपको अपने मन के अलग अलग आयामों तक पहुंच देता है। अगर संभाव नहीं है, अगर मन तिरछा है, तो मन का उपयोग करने की आपकी क्षमता काफी कम हो जाएगी। दूसरा आयाम आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपको मानसिक और आंतरिक दोनों तरीकों से उल्लासपूर्ण होना चाहिए। जब आपकी भीतरी ऊर्जाएं उल्लास से भरी होंगी तो आप सफलता की राह में दिन ब दिन आने वाली अनेक बाधाओं को आसानी से पार कर सकेंगे। अगर ये दोनों आयाम जाग जाते हैं आपके मन और शरीर में कि आप संभाव में हैं और उल्लासपूर्ण हैं, तो कामयाबी आपको कहीं ज्यादा आसानी से मिलेगी। लेकिन इसके अलावा सफल होने के लिए आपको सही परख, प्रेरणा और ईमानदारी की जरूरत होगी। परख यानी आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह से गौर करते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। दूसरा आयाम यह है कि आपको हमेशा प्रेरित रहना होगा। यह बहुत अहमियत रखता है। आप किस उद्देश्य से यह काम कर रहे हैं? चीजों के बड़े आयाम को देखना या उस योगदान को देखना जो आप कर रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान जो भी काम कर रहा है वो किसी न किसी तरह से इस संसार के किसी न किसी पहलू में अपना योगदान दे रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी न किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है, तो अपने योगदान के प्रति जागरूक रहने से आपकी प्रेरणा हमेशा बनी रहेगी। और ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में काम करना चाहते हैं तो रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए आप आसपास के लोगों के बीच कितना भरोसा कायम कर पाते हैं उसी से तय होगा कि आपका रोजमर्रा का प्रयास कितना आसान या मुश्किल होगा। अगर आपसी भरोसे का माहौल होगा तो आपकी काम करने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि तब सभी आपके लिए सहायक होंगे और आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे। आपका अधिकतर तंत्रिका एवं ऊर्जा तंत्र कंधों के बीच और उसके ऊपर एक बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, इसलिए अपनी गर्दन के हिस्से को अच्छी हालत में बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।